वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनू दोस्तों का मैच तब तक इंटरेस्टिंग था एसआरएच का इनिंग्स तब तक इंटरेस्टिंग था जब तक वो 171 रन का मार्जिन चल रहा था यार मतलब 64 फोर जब 64 फोर रन्स पार किया एस आर एच ने उसके बाद तो डेड रबर हो गया पूरा मैच फिर मैं आई स्विच्ड ओवर टू दैट अदर मैच यार अपना आरसीबी और डीसी वाला मतलब यार ओनली थिंग एट द बॉटम ऑफ दिसवन लॉसेस आई मीन दैट्स टू मेनी लॉसेसर एंड मुंबई इंडियंस सेवन विन्स सेवन लॉसेस सेम विथ के आर सेवन विन सेवन लॉसेस लेकिन उनका नेट रन रेट ज्यादा था जिसके वजह से दे मेक इट इन टू द प्ले ऑफ वेल अलॉट ऑफ क्वेश्चन अपॉन लाइक रिटेन किसको करना है फॉर्म में कौन है लाइक कायरन बिल्कुल फॉर्म में नहीं था बट आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ही विल मोस्ट प्रॉब्लली रिटर्न बिकॉज ही इज दर बिग हिटर बट आई थिंक कृणाल पांड्या मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी इन साइड द टीम द काइंड ऑफ फॉर्म दैट दट डिस्प्लेड दिस सीजन बोथ बोथ विद बैट एंड बॉल ऑलराउंडर के टैग है उनके ऊपर तो कुछ ज्यादा कमाल कर नहीं पाया तो आई डोंट नो इफ यूल नॉट मेरे हिसाब से दे शुड लुक एट बेटर ऑप्शन ना दैट इज वॉट माई ओपिनियन इज हार्दिक पांडे आई थिंक ही नीड्स टू बी इन्फॉर्म एट लीस्ट फॉर इंडियन टीम्स सेक सो दैट इफ इज इन गुड फॉर्म इट विल बी ग्रेट न्यूज फॉर टीम इंडिया बट आई थिंक वी विल सी अ लॉट मेनी रिप्लेसमेंट सो टू स्पीक मुंबई इंडियंस के टीम में एसआर को होल सेल रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा पूरा टीम बदलना पड़ेगा कोचिंग स्टाफ बदलना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट बदलना पड़ेगा सबको बदलना पड़ेगा अभी किसको बदलते हैं आप किसको लेके आते हैं बराबर से चूज करो यार एंड मेरे हिसाब से आज एटलीस्ट यार आपके पास विलियमसन नहीं है भुवनेश्वर कुमार नहीं है आपका की आपका कैप्टन नहीं है एक वार्नर डिजर्व दैट लास्ट फेयरवेल गेम यार बिकॉज आई डोंट थिंक वार्नर विल बी प्लेइंग अगेन फॉर हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद इतना तो मेरे को लगता है सबको बहुत सारे लोगों को लगता है बट दोस्तों आपको क्या लगता है क्या डेविड वार्नर को आज का ये लास्ट गेम मिलना चाहिए था एज अ फेयरवेल गेम और नॉट आपका जो भी ओपिनियन है लिखकर बताना चलिए फॉर द मोमेंट टाटा